हेलो गाइस, मेरा नाम है अंकित और मैं आज आपको बताने वाला हूँ सेमी वोवेल और कंसोनेंट के बारे में। तो बिना किसी देरी के हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो, सेमी वोवेल में, अरे मतलब थोड़ा सा चूक हो गया, वोवेल में कितने प्रकार होते हैं? पहला दो प्रकार होते हैं कि दो प्रकार होते हैं पहला आता है उसमें वोवेल और दूसरा आता है सेमी वोवेल। सेमी वोवेल तो ये पहला आता है हमारा सेमी वोवेल। तो हम बात करते हैं वोवेल की। वोवेल में कितने अक्षर होते हैं? हाउ मैनी लेटर इन वोवेल कितने अक्षर होते हैं वोवेल में? वोवेल को हम बोलते हैं स्वर, इसको कहते हैं हम स्वर। तो हाउ मेनी लेटर इन वोवेल, तो फटाक से बताता हूँ मैं आपको। ए होता है, ई होता है, ए ई आई ओ यू, ये पांच अक्षर होते हैं वो भी वोवेल में, और ये वोवेल के अक्षर में होते हैं। और मैं एग्जांपल देता हूँ आपको स्वर का, मतलब वोवेल का। एप्पल, ए डबल पी एल ई एप्पल, ये एप्पल हो गया। अगर कोई भी वोवेल मतलब स्वर का वर्ड, कोई भी अक्ष मतलब शब्द आया और उसमें वोवेल के अक्षर कोई भी एक आए तो उसको हम स्वर कहा जाएगा, हम उसको स्वर कहते हैं। या स्टार्टिंग में आए, बीच में आए या अंतिम में आए, लेकिन उसको स्वर कहेंगे ही कहेंगे। स्वर की बात खत्म। अब जाते हैं दूसरे पे टॉपिक पर। हाउ मेनी लेटर इन वोवेल, तो यही कट करके मैं लिख देता हूँ सेमी वोवेल। हाउ मेनी लेटर इन सेमी वोवेल, कितने अक्षर होते हैं सेमी वोवेल में, मतलब अर्ध स्वर में? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ, ये तो उसको रहने देते हैं। और ये आ गया हाउ मेनी लेटर इन सेमी वोवेल। तो बात आता है सेमी वोवेल में लेटर होते हैं दो होते हैं, तो लेकिन मैं यहाँ पे बता रहा हूँ दो लेटर होते हैं। देयर आर टू लेटर इन वोवेल, इन सेमी वोवेल। सेमी वोवेल थोड़ा सा चूक तो हो जाता है मेरे से। सेमी वोवेल SCMI सेमी वोवेल WVOWEL। तो कितने अक्षर होते हैं? दो अक्षर होते हैं। पहला आता है अक्षर वो सेमी वोवेल का, मतलब अर्ध स्वर का आता है W। दूसरे आता है Y, W और Y। हाउ मेनी लेटर इन सेमी वोवेल, तो दो लेटर आते हैं उसको W और Y कहते हैं। तो अगर इसका एग्जांपल तो हम बताएंगे, लेकिन एक और कॉन्सोनेंट उसके साथ बताएंगे, क्योंकि ये दोनों मिक्स है। तो यहाँ पे इसको कट करके थोड़ा सा यहाँ पे हाउ मेनी सेमी वोवेल, हाँ तो मैं इसको पूरा कट करके बताता हूँ। पहला आता है सेमी वोवेल, लेकिन पहले हम आपको कॉन्सोनेंट बताते हैं। कॉन्सोनेंट, सो NENT, कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट में कितने अक्षर होते हैं? कॉन्सोनेंट में भी दो अक्षर होते हैं, दो। पहला आता है W और दूसरा आता है Y। तो आप ये सोच रहे रहेंगे कि W और Y जब उसमें भी आता है इसमें भी आता है, तो हम किसको चूज
यूज करेंगे। अगर कोई भी वर्ड में आया डब्ल्यू और वाई तो उसको कॉन्सोनेंट कहेंगे या फिर अर्धस्वर कहेंगे। तो इसीलिए मैं आपको ये बताऊंगा, ये दोनों मिक्स मतलब एक साथ बताऊंगा। पहला आता है सेमी वोवेल, सेमी वोवेल, वोवेल अर्धस्वर। तो सेमी वोवेल का आता है, सेमी वोवेल है तो डब्ल्यू और वाई दोनों में सेम होते हैं, और अगर ये बीच में देयर आर कमिंग सेमी वोवेल, वोवेल सेमी वोवेल लेटर, लेटर इन स्टार्टिंग, नो 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 स्टार्टिंग नहीं, सेंटर एंड एंडिंग, टी आर ई सेंटर एंड एंड इज कॉल्ड कॉल्ड सेमी वोवेल। सेमी वोवेल मतलब सेमी वोवेल का अक्षर या बीच में आए या फिर अंतिम में, अंत में आए तो उसको अर्धस्वर कहा जाएगा। मतलब सेमी वोवेल का जितना भी लेटर, कोई जितना डब्ल्यू और वाई रहता है तो जो लेटर इसमें आया बीच में या फिर अंत में आया तो उसको हम सेमी वोवेल मतलब अर्धस्वर कहेंगे। तो चलते हैं उस पे, कॉन्सोनेंट पे, यही रफ करके मैं इसी पे बता देता हूँ। अरे सेमी वोवेल हो गया है, अब आता है कॉन्सोनेंट। सो एन ई एन डी, कॉन्सोनेंट का मतलब होता है हिंदी में व्यंजन, और इसका भी डब्ल्यू और वाई आता है लेटर में। तो अगर डब्ल्यू और वाई, डब्ल्यू एंड वाई, देयर आर, देयर आर कॉन्सोनेंट, सी ओ एन एस ओ एन ई एन टी कॉन्सोनेंट लेटर, एल ई डबल टी ई आर लेटर, आर सी ओ एम आई एन जी कमिंग स्टार्टिंग, स्टार्टिंग इज कॉल्ड, इस देयर आर कॉन्सोनेंट आर कमिंग स्टार्टिंग एंड, स्टार्टिंग एंड कमिंग ओनली स्टार्टिंग इज कॉल्ड कॉन्सोनेंट, सी ओ एन एस ओ एन ई एन टी कॉन्सोनेंट। इसका मतलब हुआ हिंदी में अगर व्यंजन का अक्षर, व्यंजन का अक्षर अगर डब्ल्यू और वाई, मतलब व्यंजन का अक्षर अगर डब्ल्यू और वाई कोई भी वर्ड में आया या स्टार्टिंग में आया, कोई भी वर्ड में आया लेकिन स्टार्टिंग में आया मतलब शुरुआत में आया तो उसको हम सेमी वोवेल नहीं कहेंगे, उसको हम कहेंगे कॉन्सोनेंट। तो सेमी वोवेल में अगर बीच में आया और अंत में आया तो उसको सेमी वोवेल कहेंगे और डब्ल्यू वाई। तो हम नेक्स्ट वीडियो में बताने वाले हैं मैथ्स के बारे में, तो हमारा नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखना और इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।